कैसे हमारे बालाजी सरकार आके धरा पे धरा रूप हरी आके धरा पे धरा रूप हरी ने बन आए महावीर हरी। हनुमान जी महाराज शंकर जी का अवतार लेके आए हैं। आके धरा पे धरा रूप हरि ने बन आए महावीर हरि। एक तन में दो तन को संभाल। जय हे बालाजी सरकार। शंकर जी के रूप में हनुमान जी और पार्वती के रूप में पूछ एक तन में दो तन संभाले हैं। जय हे बालाजी सरकार। आके धरा पे धरा रूप हरि ने बन आए महावीर हरि। एक तन में दो तन को संभाले आके हरि की पीर हरि। भगवान राम के कष्ट हरने को आए शंकर जी हनुमान जी बन के आके हरि की पीर हरि। बड़ी गहरी बात है। आके हरी की पीर हरी ओ आके हरी पीर हरी आके हरी पीर हरी। तो शंकर स्वयं के श्री नंदन कली के कष्ट निवारे। तो शंकर स्वयं के श्री नंदन कली के कष्ट निवारे। हरि के प्यारे सिया के दुलारे सदा ही जयकारे लगाए संसार। तो साचो बालाजी तुम्हारो दर तो हरि के प्यारे सिया के दुलारे सदा ही जयकारे लगाए संसार। तो साचो बालाजी अगली बात। पहली बात हो गई। एक बार लागी ललक लाल को लाल लख। हनुमान जी महाराज ने बचपन में सूर्य को देखा। लागी ललक लाल को लाल लख के तो लाल लाल मुख धार लिया। और जब सूर्य देव को खा गए हनुमान जी तो दिन कर भी दिन कर ना पाते। अंधेरा हो गया। दिन कर भी दिन कर ना पाते पवन देव आधार लिया। पवन देव के चरणों में पहुंचे सभी देवता सब सृष्टि के लोग। तो क्या हुआ तो मान पाए मान पाए हनुमान कहाए कपि को दुख दिखलाए बजरंगी सुमति के संगी। बजरंगी सुमति के संगी राम रस रंगी। हनुमान जी का दूसरा भोजन कुछ नहीं है केवल यही राम रस रंगी। सुमह मां अपार है प्यारो बालाजी तुम्हारो प्यारो बालाजी तुम्हारो
अब इस कलयुग में देखे लेटे कहीं हमारे हनुमान जी महाराज लेटे कहीं माँ के संग में कहीं पर कहीं लेटे हैं कहीं अंजनी की गोद में है कहीं बाल रूप में है कहीं भयानक रूप में है लेकिन जिनके भाव जैसे उन्हें वैसे ही दिखते हैं जिनके भाव है उन्हें वैसे ही दिखेंगे दुष्टों को भयानक रूप में दिखेंगे सज्जन को बाल रूप में दिखेंगे कमजोर असहाय लोगों को रक्षक के रूप में दिखेंगे राजा के रूप में दिखेंगे लेटे कहीं माँ के संग में कहीं पर माँ को भी सुख पाते हैं लेटे कहीं माँ के संग में कहीं पर माँ को भी सुख पाते हैं बाल रूप घाटा मेहंदीपुर में लीला गजब दिखाते हैं ऐसी लीला दिखाई यहाँ बैठे लोग शायद 2% लोगों को मालूम होगा क्या लीला दिखाई बालाजी सब जाते हैं लेकिन मालूम बहुत कम लोगों को है हमारे गुरुजनों को इन लोगों को मालूम है क्या लीला दिखाई बिमल बिनोदी जान सके ना कोई जान न हारे मन को भाई हुई जब खुदाई मती चकराई पाया भी नहीं पार है अब झांकी के गौर से दर्शन करना जब जाना मेहंदीपुर बालाजी का एक पांव नीचे है एक पांव ऊपर है जो पांव नीचे है उसका कोई पंजा मंजा नहीं देखेगा आप गौर से देखना कभी आज से कुछ वर्ष पहले उस पांव की खुदाई की गई थी सैकड़ों फुट खुदाई करवाने के बाद पांव का कोई छोड़ नहीं मिला था कोई छोड़ नहीं मिला उस पांव का ये प्रमाणित है हमारे गुरुजन जानते हैं पूछ रहे हैं लोगों से लेकिन लोग जाते हैं दरबार के दर्शन करके चले आते हैं ये बहुत बारीक बातें हैं हजारों फुट खुदाई की गई थी कुछ वर्षों पहले लेकिन उस एक पांव का छोड़ नहीं मिला था आखिरकार में क्षमा माफी मांग के उस पांव को भुजियों का त्यों ढक दिया था ये करिश्मा है बालाजी सर का बहुत कम लोगों को मालूम है लोग जानकारी नहीं करते ऐसी राम राजा सरकार के दरबार में जाते हो ओरछा जाते हो राम राजा सरकार भगवान के रूप में नहीं बैठे वहां उनका आसन ही राम राजा राजा के रूप में बैठे हैं बहुत कम लोग होंगे जिनने दर्शन किए होंगे देखना कभी पोशाक के बाहर भगवान के पांव का अंगूठा निकला रहता है अब गौर करना देखना उस पांव के अंगूठे के दर्शन नहीं किए तो कुछ दर्शन नहीं किए और कभी वो पोशाक से वो अंगूठा ढांका नहीं जाता है कभी देखना यूं बैठे हैं भगवान राम राजा सरकार पांव पे पांव रखे और अंगूठा निकला है बाहर राजा शाही स्टाइल में बैठे हैं लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कभी दर्शन करने जाओ तो राम राजा सरकार के पांव के अंगूठे का दर्शन जरूर किया करें वही तो राजा के चरण है बहुत कम लोग इतिहास में लोग नहीं जानते हैं चलो कोई बात नहीं सुमन को भाई हुई जब खुदाई मती चचराई पाया भी नहीं पार है तो साचो बालाजी तुम्हारो दरबार है।